चलिए खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं चुनावी मैदान में घमासान की खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। केजरीवाल ने कहा कि अफवाह इस बात की है कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। कल केजरीवाल चंडीगढ़ में थे। केजरीवाल ने चंडीगढ़ के लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की और इसी अपील को करते वक्त उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को दे देगी चुनाव से पहले। दरअसल केजरीवाल ने एक बड़ा दाव खेल दिया है और ये दाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंडीगढ़ में भी वहां पर नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को दे सकती है, ये दावा किया। इस अफवाह को थोड़ी हवा भी दी अरविंद केजरीवाल ने जब वो प्रचार पर उतरे पंजाब में। और पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बड़ी दावेदार मानी जा रही है इस साल होने वाले, अगले साल होने वाले चुनावों में। तो आखिर कहा क्या है अरविंद केजरीवाल ने, एक बार वो सुनिए। आजकल एक बड़ी तेज अफवाह चल रही है, अफवाह है, मेरे को नहीं पता सच है कि झूठ है। हो सकता है झूठ भी हो सकता है सच भी हो। बड़ी तेज अफवाह ये चल रही है कि थोड़े दिन में केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने जा रही है। ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग अफवाह चल रही है। अगर ऐसा होता है तो पंजाब में तो भाई देखो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो फिर वोट चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी को ही दे देना। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जगविंदर ये कहा क्यों, और अगर वो कह रहे हैं कि ये बड़ी तेज अफवाह चल रही है तो किस तरफ खड़े अरविंद केजरीवाल, उनका क्या मानना है, ये सही होगा गलत होगा, कैसा रहेगा पंजाब की जनता के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो इसको सही ही माना। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कह दी चंडीगढ़ में कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को जाता है तो पंजाब में तो उनकी सरकार बन रही है, ऐसे में अच्छा होगा कि चंडीगढ़ के लोग अगर नगर निगम में उनकी पार्टी को वोट देते हैं तो फिर पंजाब में भी उनकी सरकार होगी ऊपर, और नीचे अगर तब तक चंडीगढ़ पंजाब को जा चुका होगा तो चंडीगढ़ का कॉरपोरेशन भी उनके पास होगा। तो इस तरह से कॉरपोरेशन उसी तरह से होता है जैसे सरकार होती है स्टेट के अंदर, तो दोनों जगह आप अपनी सरकार बना लीजिए। लेकिन इसके मायने सिर्फ एक चुनाव तक नहीं है, ये एक पुराना मुद्दा है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मसला है जो कि इंदिरा गांधी के टाइम से चलता आ रहा है। और चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों अपना अपना हाथ जताते रहे हैं, और आतंकवाद के दौर में भी पंजाब की तरफ से ये बड़ा मुद्दा था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए, लेकिन इस मसले में केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसकी जो है वो डेवलपमेंट की गई। अगर ऐसे में किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से ये चर्चा छिड़ी है कि नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार मिलकर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं कि किस तरह से पंजाब को खुश किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये 370 धारा खत्म करने के बाद ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा जिसमें कि अगर पंजाब चंडीगढ़ को जाता है। लेकिन प्रचार के दौरान हल्के में कही हुई बात अगर ये सच साबित होती है तो इसकी और कई जो है वो डायमेंशन निकल कर सामने आएंगी। जगविंदर, एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अफवाह हो ही ना, और इस तरह की बातचीत क्योंकि हमारे कान में नहीं पड़ी है, क्या आपके कान में कभी ये बात पड़ी अरविंद केजरीवाल के कहने के पहले? जी हाँ, देखिए, एक बार मैं किसी बड़े गणमान्य व्यक्ति से बात कर रहा था, पिछले हफ्ते की बात है, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने एक पब्लिक फोरम से इस बात का जिक्र किया, रैली में एक बात कही है, तो कुछ ना कुछ चर्चा कहीं ना कहीं कोई बात हुई तो होगी। लेकिन इस पर सफाई केजरीवाल या मैं या फिर कोई तीसरा गणमान्य व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर ये बात उठी है तो केंद्र सरकार जब इस पर जवाब देगी सच उसी को माना जाएगा। अभी इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये अफवाह है, ये चर्चा है, लेकिन क्या ये सच्ची है या झूठी है ये तय करना केंद्र सरकार के हाथ में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका, और अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे एक और खास खबर। ABP News, आपको रखे आगे।